जनपद संभल के चंदौसी में व्यापारियों की समस्याओं को लेकर राज्य मंत्री ने व्यापारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। लॉकडाउन में दोनों को सामंजस्य से काम करने को कहा। जनपद संभल के चंदौसी में प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबा देवी को व्यापारियों ने व्यापारिक समस्याओं से उनको फोन कर उत्पीड़न की घटनाएं बताई थी, जिस कारण से एक बैठक प्रशासनिक अधिकारियों और व्यापारियों के साथ संजीवनी पैलेस में आयोजित की गई। जिस बैठक में व्यापारियों ने प्रतिष्ठान खुलने और बंद समय का भ्रम, शराब की बिक्री पर व्यापारिक माल की लोडिंग अनलोडिंग, व्यापारी का उत्पीड़न, सभी प्रतिष्ठान खुलवाए जाएं, बिजली बिल तथा कटौती, नगर को सैनिटाइज कराने, नाला सफाई, सड़कों की मरम्मत और निर्माण आदि विषय पर वार्ता की गई। इस बैठक में नगर के व्यापारी काफी संख्या में उपस्थित रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी बात राज्य मंत्री के सामने रखी। राज्य मंत्री ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि प्रशासन जो भी कर रहा है वे समाज और हमें सुरक्षित रखने के लिए कर रहा है, अतः उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान करें, तथा वही प्रशासन से भी व्यापारियों को सहयोग करने को कहा गया। राज्य मंत्री ने लॉकडाउन के दौरान एक दूसरे के साथ सामंजस्य से काम करने को कहा। कि अपने आप सावधानी रखिए, जो भी जिम्मेदारी है, जो नियम निर्धारित किए गए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उन नियमों के अंतर्गत प्रशासन के लिए पूरा सहयोग दीजिए, जिससे हम और आप सुरक्षित रह सकें। किसी की कोई व्यक्तिगत दुश्मन नहीं किसी से, नहीं है कोई किसी से बदला लेने के लिए, कोई डॉक्टर कोई अधिकारी कोई यहाँ पर उपस्थित नहीं है। हाँ, गलतियां मैं समझती हूँ, हो जाती है और हुई भी है, जो भी कारण रहे हो आपस में हम लोग खुद डालना नहीं चाहते, उनके पुनरावृत्ति ना हो, ये मैं प्रशासन से भी कहना चाहती हूँ कि किसी प्रकार की कोई भी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जो भी समय अभी एजेंट साहब बोलेंगे, आप लोग नोट करिएगा, जो भी समय दिया गया है आपको, उस समय किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपके आगे नहीं आएगी, ये मैं आपके लिए विश्वास दिलाने चाहता हूँ। लेकिन उस ड्यूटी में, वो जिम्मेदारी में जहाँ हम और आप सब अपनी जान को हथेली पे रखे हुए हैं, उनका यदि कोई पालन नहीं करेगा तो कानून अपना काम करेगी, उसे कोई भी नहीं रोक।